Hello students, how are you? And this is Gautam Gupta again. I am back here. And आज जो मैं अपना बताने वाला हूँ एक छोटा सा टॉपिक दैट इज स्टील स्ट्रक्चर और इसमें जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस होते हैं उनके बारे में. तो ये कनेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने कितना ही अच्छा मेंबर डिजाइन किया हो लेकिन वो मेंबर जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट होता है तो वहां पे जितना भी फोर्सेस है वो ट्रांसफर जो होगा वो कनेक्शन के बदौलत ही होगा. तो देखते हैं एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ऑन कनेक्शन. ओके देन ओ तो यहां पे अगर आप देखो एक छोटा सा मैंने यहां पे कनेक्शन दिया है बीम टू बीम और ये जो कनेक्शन है ये है बोल्टेड कनेक्शन. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बीम है, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज B1 और दूसरा ये जो बीम है इसको नाम दे देता हूं B2. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो B1 वाला मेंबर है ये क्या हो रहा है, यहां पे जाके इस B2 मेंबर पे सपोर्ट हो रहा है. तो ये बीम टू बीम एक छोटा सा शियर कनेक्शन है. इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं. तो यहां पे जैसे मैंने B1 और B2 लिखा तो अगर आप इसको इस पर्टिकुलर साइड के व्यू से देखें, ठीक है, अगर ये वाला व्यू देखें आप व्यू ए लिख देता हूं, चलो मैं इसको, तो व्यू ए आपको फिर इस तरीके से दिखेगा, ये है आपका व्यू ए. तो व्यू ए में आपको ये जो लाल वाला मेंबर यहां पे ये वाला जो दिख रहा है ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वे में, ये है बीम आपका B2 और इसी के साथ यहां पे ये जो इस तरीके का एक ये छोटा सा ऐसा मेंबर दिख रहा है यहां पे, ये छोटा सा ये जो मेंबर है ये है आपका B1. इसी चीज को अगर यही सेम टू सेम कनेक्शन को हम अब अगर इस साइड के व्यू एंगल से देखें, यहां से देखें, सपोज इसको मैं बोलता हूं ये है आपका व्यू सी, तो ये जो व्यू सी है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में या इस पर्टिकुलर व्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये B1 वाला मेंबर, ये इस तरीके से ये B1 वाला मेंबर, ओके, और ये जो मेंबर है जो कि यहां पे सपोर्ट कर रहा है इस B1 को वो ये मेंबर है That is B2. तो सबसे पहली चीज है इंपॉर्टेंट, इसमें B1 और B2 का अगर हम लॉजिक देखें तो B1 आई कैन कॉल इट, ठीक है, B1 इट इज गेटिंग सपोर्टेड, सो आई विल कॉल इट एज सपोर्टेड. एंड B2 ये B1 को सपोर्ट कर रहा है तो आई विल कॉल इट एज सपोर्टिंग. ठीक है, तो ये चीज है. तो ये जो सपोर्टेड और सपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कभी भी आप कोई इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर करते हो. अब इसी में थोड़ा सा और मैं डीप जाता हूं. यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो कनेक्शन दिया हुआ है वो कैसा है, एक बोल्टेड कनेक्शन है. अब आपने बोला कि ये तो यार जो है ये एक ग्राफिकल इमेज है, तो एक्चुअल में ये कनेक्शन दिखेगा कैसे, तो एक्चुअल में ये कनेक्शन कैसे दिखेगा उसके लिए जस्ट ये स्लाइड देखते हैं. ये देख रहे हैं, ये जो अभी एक मैंने सेक्शन व्यू बनाया था ना पिछला वाला, ये वही सेम टू सेम है. इसमें ये मेंबर कौन सा था, ये मेंबर था आपका B2 वाला, और यहां पे अगर आप देखें ये पूरा का पूरा ये इस तरीके का मेंबर दिख रहा है, ये कौन सा मेंबर था, ये था आपका B1. तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन में आएगा. अब अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊं तो आप साइड व्यू भी देख रहे थे, तो साइड व्यू में ये आपका पूरा का पूरा कनेक्शन दिख रहा है, दिस इज योर B1 एंड दिस इज योर B2. तो जो चीज होती है वो होती है विजुअलाइजेशन. आपको किस तरीके से चीजों का विजुअलाइजेशन होना चाहिए ये आपको दिमाग में बैठाना है. क्लियर? अब इनके बारे में थोड़े से फैक्ट देखते हैं. इंपॉर्टेंट खाली ये नहीं है कि विजुअलाइजेशन हो, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनके फैक्ट्स आपको जानने जरूरी हैं. तो
अगर मैं फैक्ट देखूं, सबसे पहली चीज अगर इसमें आते हैं तो ये जो B1 बीम था, B2 के ऊपर सपोर्ट हो रहा था, और सपोर्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपने फोर्सेस को ट्रांसफर भी करेगा। तो जब ट्रांसफर कैसे करेगा, ये कनेक्शन से। तो ये कनेक्शन कैसा है, आप एक साइड से देख सकते हो ये एंगल लगा हुआ है, ये ब्लू वाला दिस पर्टिकुलर थिंग, ये क्या है, एक एंगल। ऐसा ही सेम टू सेम इसके बैक साइड में भी लगा हुआ है ना, आपने ये स्लाइड देखी थी, आप देख सकते हो एक एंगल ये वाला है और एक एंगल इस साइड में लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डबल एंगल। तो दिस इज अ डबल एंगल कनेक्शन दोनों के बीच में। अब चीज क्या होती है कि जब इसको आप फील्ड में जब कनेक्शन करना है तो किस तरीके से करोगे। तो फील्ड में जब इसको कनेक्शन करना है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे आसान तरीका होता है कि ये जो मेंबर था जिसको हमने B1 लिखा था, इस B1 मेंबर में आप क्या करो, पहले से ही दोनों साइड इसके वेब पे आप बोल्टिंग करके लेके आओ। तो इसमें अगर आप बोल्टिंग करके लेके आओगे फिर बाद में, ठीक है, तो जब इसमें बोल्टिंग करके लेके आओगे तो वो शॉप वेल्ड कहलाता है। तो ये वाला जो है बोल्ट, ये क्या कहलाया, शॉप, जो कि फैब्रिकेशन शॉप में आप करके लेके आए। और फिर इसको ला के आप क्या करते हो, इसमें कौन सा मेंबर, B2 पे इसको डायरेक्टली क्या करते हो, बोल्टिंग कर देते हो। और वो बोल्टिंग होती है फील्ड पे, जहां पे एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका इरेक्टेड है। तो इसीलिए ये डबल एंगल्स, ये फील्ड बोल्टेड होते हैं। फील्ड बोल्ट कहां पे हो रहा है, सपोर्टिंग वाले पे, सपोर्टिंग दैट वाज B1। और शॉप बोल्टेड कहां पे होता है, सपोर्टेड बीम में, जो कि है आपका, ठीक है, सॉरी, ये B2 था और ये है B1। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये करने से आपका नाइव्ड इरेक्शन, अब ये नाइव डिरेक्शन क्या नंबर है, क्या चीज होती है, नाइव डिरेक्शन का मतलब होता है, सपोज अगर आपने पहले, ध्यान देना, अगर आपने पहले ये जो डबल एंगल था अगर आपने शॉप में B2 के साथ जोड़ दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब फील्ड पे हम दूसरा मेंबर लेके जाएंगे तो ये इसके अंदर घुसाना जो है यहां पे इस तरीके से, ठीक है, दो मेंबर के बीच में ऐसे घुसाना, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी आप जब इरेक्शन ड्राइंग्स या कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स देते हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साइड पे कि आप किस पर्टिकुलर जॉइंट को पहले फैब्रिकेट करो और फील्ड पे जाके किसको बोल्टेड करो। क्लियर, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर कनेक्शन को, तो इस कनेक्शन में मेरी एक बोल्ट लाइन यहां है, फिर यहां है, यहां है, यहां है, ये बोल्ट लाइन किसको कनेक्ट कर रही है, B2 वाले मेंबर को, लेकिन दूसरी बोल्ट लाइन जो है वो यहां पे है, इधर 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 इधर, ये किसको कनेक्ट कर रही थी, B1 को। तो इस फिगर को देखने से आपको ये पता लगेगा कि ये बोल्ट लाइन और ये बोल्ट लाइन दोनों टैगर्ड हैं। दोनों क्या है, टैगर्ड। ये स्टैगरिंग करने से फायदा क्या होता है, जब भी आप ये स्टैगरिंग करते हो तो वहां पे आपको प्रॉपर क्लियरेंसेस मिल जाते हैं कि आप बोल्ट और नट को आराम से टाइट कर सको, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर इसी के लाइन पे अगर आप रख दोगे, सेम टू सेम लाइन पे, B1 में भी सेम लाइन, B2 में भी सेम लाइन, तो वहां पे आप बोल्ट को जब कसने जाओगे या टॉर्क लगा के, टॉर्क रेंच से आप अगर उसको टाइटनिंग करने जाओगे तो वहां पे क्लियरेंस कम मिलते हैं। तो जनरली इस टाइप के कनेक्शन में इसको स्टैगर्ड रख दिया जाता है। ओके, नाउ अब इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान से देखो, ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं साइड व्यू को। ये था आपका मेंबर B1 जो कि सपोर्ट हो रहा था, ये था मेंबर B2 जो कि सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो ध्यान देखें, दोनों मेंबर की डेप्थ, डेप्थ मतलब
टॉप फ्लैंज से लेके आपका बॉटम फ्लैंज तक, ये जो डेप्थ है चाहे वो B1 का हो चाहे B2 का हो, वो दोनों क्या है, सेम है। B1 का डेप्थ B2 का डेप्थ दोनों सेम है। सपोज दोनों ही ISMB 400 है मान लेते हैं, ठीक है, तो दोनों का डेप्थ 400 हो गया। तो अब एक मेंबर में दूसरे को कनेक्ट ऐसे कैसे करें, क्योंकि आपको क्या होगा, कनेक्शन के लिए इसको अंदर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, इसके वेब के तरफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं मैं यहां, ये जो हिस्सा है ये अगर आप देखें ध्यान से, ऐसा ये जो बन रहा है, ठीक है, ये आपका ऐसा मेंबर था, ठीक है, और यहां पे ये ऐसे, इधर भी नीचे में अगर देखें ये मेंबर था आपका आई सेक्शन, और यहां पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है इसमें क्या हुआ, ये वाले में ये इस तरीके से, ध्यान से देखते जाइए ये लाइन को, ऐसा ऐसा। तो आपने क्या किया है, जो B1 वाला मेंबर था उसका टेंशन और कंप्रेशन फ्लैंज दोनों को क्या किया, काट दिया है। इस तरीके से आपने उसको क्या किया, काट दिया एक L शेप में। तो ये जो चीज होती है, अगर आप नहीं काटेंगे तो वो क्या होता, वहीं पे जाके रुक जाता, फ्लैंज के अंदर ही नहीं जा पाता। तो आपने काटा, इसीलिए इसका जो वेब है, ये जो येलो लाइन ऐसे दिख रही है, इसका वेब वो क्या हो रहा है, B2 के वेब पे जाके ज्वाइन हो रहा है। तो ये जो चीज होती है इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है आपका कोपिंग या कोप्ड सेक्शन। तो अब यहां पे हमने ऊपर भी कोप किया है और नीचे भी कोप किया है या कटा दिया है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल कोप्ड। क्लियर, डबल कोप्ड। नाउ अब इसी कनेक्शन के बारे में अगर हम छोटा सा और चीज जाने, तो जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, एक बीम टू बीम शियर कनेक्शन। तो अगर शियर कनेक्शन है तो क्या होगा, उसका रोटेशनल रेजिस्टेंस क्या होगा, नहीं होगा। तो अ सिंपल शियर कनेक्शन आर एज्यूम टू हैव लिटिल और नो रोटेशनल रेजिस्टेंस, कोई रोटेशनल रेजिस्टेंस उनका नहीं होगा। दूसरा, अब कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है तो बीम में उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या तो रोलर से या तो पिन से, है ना, क्योंकि फिक्स एंड आप दिखा नहीं सकते, फिक्स में तो रोटेशन आ जाएगा, ठीक है, रोटेशन को वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। तो इनको जब भी आप दिखाते हैं तो दे आर आइडियलाइज्ड एज पिन्स और रोलर्स, और सिंस रोटेशन को वो रेजिस्ट नहीं कर रहा, आराम से रोटेट हो जा रहा है, तो मोमेंट कोई भी जनरेट नहीं होगा, तो नो मोमेंट फोर्सेस आर जनरेटेड और ट्रांसफर्ड, खाली जो भी ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, शियर ट्रांसफर होगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे मैंने बताया कि खाली वेब टू वेब कनेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है फ्लैंजेस आर नॉट कनेक्टेड, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप फ्लैंज को कनेक्ट कर देते हो तो वहां पे चांसेस है कि आपका मोमेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि फ्लैंजेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर द मोमेंट्स एंड शियर इज ट्रांसफर्ड बाय द वेब, सो द फ्लैंजेस आर अनकनेक्टेड। क्लियर, तो आई होप ये छोटा सा एक सेशन, ठीक है, आप लोगों को मजा आया होगा। इसी तरीके के जो कनेक्शंस हैं या इंटरव्यूज में ये सारी चीजें पूछते हैं, छोटी छोटी चीजें दिखा देंगे और पूछ लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और इसी तरीके के और मैं कनेक्शंस के ऊपर में या स्किल स्ट्रक्चर्स के ऊपर में आपको छोटे छोटे और वीडियोस बना के दूंगा। तो बाय बाय, थैंक यू।